दोस्तों फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल जमीन एक्सपर्ट में। फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को एक डिफरेंट से कॉन्सेप्ट पे लेकर चला हूं। इसके पहले जितने भी मेरे वीडियोज आए हैं सारे के सारे नोएडा एक्सटेंशन को डेडिकेटेड थे, जिसके अंदर मैंने रेजिडेंशियल प्लॉट के बारे में बात किया अथॉरिटी के। आज मैं जिस जगह लेकर चल रहा हूँ और जो डिफरेंट प्रोडक्ट की बात करने वाला हूँ वो है कॉमर्शियल। फर्स्ट टाइम जमीन एक्सपर्ट चैनल पर हम कॉमर्शियल लॉन्च कर रहे हैं, और इस कॉमर्शियल की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये रेडी टू मूव है। फर्स्ट डे से आपकी शॉप, अगर आपको खुद यूज करना है तो सेम डे शिफ्ट हो जाइए, अगर रेंट पे देना है तो सेम डे से रेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी खासियत है इसके अंदर और इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन जो है वो है ग्रेशन है, वो है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के अंदर अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो वो है अल्फा 2 सेक्टर, जहां पे सबसे ज्यादा कॉमर्शियल यहां पे आज के डेट में बने हुए हैं। बहुत लाइन से ही सारे के सारे जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो बने हुए हैं। वहीं पे ही ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है केवी कॉम्प्लेक्स, कुंज बिहारी कॉम्प्लेक्स, और ये ऐसे बिल्डर हैं जिनका जीरो अमाउंट ड्यू है अथॉरिटी के साइड से या किसी बैंक से। कोई भी लोन आज तक नहीं लिया, 100% पेड अप लैंड है इनकी विदाउट एनी बैंक लोन। दैट इज द बेस्ट पार्ट। जब हम किसी भी पर्टिकुलर प्लॉट्स की बात करते हैं, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक सबसे बड़ा पार्ट क्या है कि किसी भी बैंक से यहाँ पे लोन अवेलेबल है आज के डेट में। आप चाहे किसी भी बैंक से चाहें आप लोन ले सकते हैं। टोटल मिला के इसके 6 फ्लोर बने हुए हैं। आपका बेसमेंट है, लोअर ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, अपर ग्राउंड फ्लोर है, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि ये परी चौक से कितना दूर है। परी चौक से लगभग इसकी जो दूरी है 1 किलोमीटर की दूरी है, और डेल्टा 2 मेट्रो स्टेशन से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और आसपास में बहुत सारे रेजिडेंशियल वहाँ पे ऑलरेडी रेजिडेंट रह रहे हैं। तो इसका एक बेनिफिट है कि यहाँ पे वैसे भी कॉमर्शियल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैक्सिमम ब्रांड यहाँ पे आए हुए हैं, जिस ब्रांड का भी आप नाम लेंगे मैक्सिमम ब्रांड आपको यहाँ पे मिलेंगे जो नॉर्मली सारे कॉम्प्लेक्स में होते हैं। उसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है कि जो ये प्लॉट लिया गया था, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने प्रॉपर इसको अलॉट किया हुआ है और फुल्ली पेड अप लैंड है। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन और पहला होता है कंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है ऑक्यूपेंसी। ये दोनों अगर सर्टिफिकेट या ये दोनों अप्रूवल अगर मिलते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो प्लॉट बिल्कुल क्लियर है, कोई भी ड्यूज नहीं है, सबसे अच्छी बात, या वो कॉमर्शियल जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी क्लियर है, कोई भी ड्यूज नहीं है अथॉरिटी की तरफ से उसके ऊपर, इसलिए कोई भी बैंक यहाँ पे लोन करता। बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट देखे होंगे वहाँ पर बैंक लोन नहीं होता या एक बैंक बहुत मुश्किल से करता है। यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि सारे बैंक करें, क्यों, क्योंकि कोई ड्यूज नहीं है। उसके अलावा हम बात करेंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था। ये प्रोजेक्ट जो है 2016 में स्टार्ट हुआ था, और इसका जो बोलते हैं प्रोजेक्ट रेडी हुआ था 2018 में रेडी हुआ था। और सबसे अच्छी बात क्या है कि फुल्ली पेड अप लैंड है, CC and OC सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो इसके ऊपर कोई भी आपका GST नहीं लगेगा। नॉर्मली GST कब लगता है, जब कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है उसमें आपको GST पे करना पड़ता है 12% का। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जितने भी ग्रेटर नोएडा की स्पेशली कॉम्प्लेक्सेज हैं वहाँ पे जो पार्किंग है वो बाहर साइड में है, लेकिन ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो पार्किंग है वो बेसमेंट के अंदर है। आप अपनी गाड़ी ले जाके बेसमेंट में खड़ी कर सकते हैं, वहाँ से सीधा लिफ्ट है, जिस फ्लोर पे आप जाना चाहें जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वेल ऑक्यूपाइड है, पिंड बलूची लीसियस हो गया आपका, जो भी मैक्सिमम ब्रांड है वो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा कि कॉमर्शलाइज है प्रॉपर, लीगल है प्रॉपर। अब हम आते हैं बैंक की तरफ से भी सारा कुछ ओके है। अब हम आते हैं साइजेस के बारे में कि इसके अंदर साइजेस क्या क्या हैं। देखिए ये जो साइज है वो है पूरा का पूरा, फर्स्ट जो है वो 320 स्क्वायर फिट का साइज है, 320 स्क्वायर फिट का साइज है। दूसरा है 400 स्क्वायर फिट का साइज है। उसके अलावा आपका ये 460 स्क्वायर फिट का साइज है। ये तीन आपका साइज है जो स्टार्ट होता है ग्राउंड फ्लोर से, लोअर ग्राउंड फ्लोर करके यहाँ से सारा का सारा मिलता है। और ये जो पहला है 320 स्क्वायर फिट वो टू साइड ओपन है। सबसे अच्छी बात है पहली बार आप देखेंगे कोई ऐसी शॉप है जो टू साइड ओपन है। और उसके अलावा जो उसकी साइज है 10x16 फिट की साइज है। और अगर मैं रेट की बात करूँ 320 स्क्वायर फिट वाले का, 320 स्क्वायर फिट वाले का जो सुपर एरिया वाले का है, उसमें 75 लाख रुपीज से लेकर 80 लाख रुपीज के बीच का आपको प्राइस मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है 22 से 23 हज़ार रुपये इसका रेंटल डे वन से आपका स्टार्ट हो जाता है।
कुछ दुकानें ऑलरेडी चढ़ी ऑलरेडी चल रही हैं, उसको भी आप ले सकते हैं और आपका रेंटल सेम वही कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। 400 स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें उसके अंदर जो आपका रेंट अभी आ रहा है वो आ रहा है लगभग 25,000 रुपये, और जब लगभग इसकी अगर हम शॉप की प्राइस की बात करें ये 85 से 90 के बीच में आपका आ जाता है। यही हम आगे चलते हैं 460 स्क्वायर फीट, ये लोअर ग्राउंड फ्लोर है और इसके अंदर जो साइज ज़्यादा 10x23 स्क्वायर फीट में आ जाता है और इसका जो प्राइस है लगभग 80 लाख रुपये का है। तो ये तीन हैं जो हमारे लोअर ग्राउंड फ्लोर और अपर ग्राउंड फ्लोर में आते हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं, टोटल 5 फ्लोर उसके ऊपर बने हुए हैं जो हमारे ऊपर के हैं, जिसके अंदर आप ऑफिस के रूप में भी यूज कर सकते हैं और शॉप्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं या खुद या रेंट आउट कर सकते हैं। जिसके अंदर जो सेकंड फ्लोर है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, दो एक बालकनी भी दी हुई है जो नॉर्मली नीचे ट्रू साइड ओपन है, तो इसके अंदर हमने एक बालकनी दे दी है, तो आपकी बालकनी में 5 फीट की आपकी बालकनी हो जाती है और रिमेनिंग आपका पूरा का पूरा कवर्ड एरिया हो जाता है। इसका जो प्राइस है आपका लगभग 32 से 35 लाख रुपए के बीच में आता है और इसका जो रेंट है 12,000 से लेकर 13-14,000 रुपए के बीच में आपका जाता ही जाता है। और इसी तरह सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर एंड अबव जितने भी हैं लगभग 35 से 40 के बीच में आ जाता है और उसका जो रेंट है लगभग 12 से 13-14 हज़ार रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। इसके अंदर भी आराम से आपको बालकनी मिलती ही मिलती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा केबी कॉम्प्लेक्स की जानकारी थी, जिसके अंदर आप चाहें आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं, इमीडिएट रेंटल का बेनिफिट ले सकते हैं, किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, खुद यूज कर सकते हैं दूसरों और उसके अलावा रेंटल पर्पस से भी इसको यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसके पास में एक्सपो सेंटर है और वहाँ से अगर हम बात करें परीचौक वहाँ से 1 किलोमीटर है और जो नया एयरपोर्ट हमारा आ रहा है जेवर एयरपोर्ट, जिसका काम ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल रहा है 2024 में, जिसका हैंडओवर है 2 लेन के साथ में, वो यहाँ से लगभग मान के चलिए 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलेगा, क्योंकि परीचौक को हम 0 पॉइंट बोलते हैं और हाईवे को लेकर हम 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा एयरपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ से 15 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट सीधा पहुँच जाएंगे। अगर कल को ये अपना ऑफिस भी बनाना चाहें, यहाँ से आप वर्किंग करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा डिमांड है, फ्यूचर में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन है, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे एयरपोर्ट स्टार्ट होगा तो ये लोकेशन बिल्कुल ही अलग तरीके का हो जाएगा। तो आई होप इसको आपको बेनिफिट मिलेगा। अल्फा 2 अगेन मैं बात करूंगा, इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो है केबी कुंज बिहारी कॉम्प्लेक्स, 0 ड्यूज, 100% बैंक लोन, किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। वेल रनॉर्ड जितने भी आपके ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल हैं, कुछ जो शॉप्स हैं वो रनिंग में हैं, कुछ शॉप्स अगर खाली भी हैं तो उसकी रेंटल बहुत अच्छी है, इमीडिएट आप अपने यूज के लिए ले सकते हैं, इमीडिएट रेंट आउट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, नो GST, नो ड्यूज फ्रॉम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है और सारे के सारे, सबसे अच्छी बात है कि सारे फ्लोर पे डेडिकेटेड प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ हैं। और उसके अलावा फ्रंट साइड में 18 मीटर रोड है और बैक साइड में 12 मीटर की रोड है, 2 साइड ओपन है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, प्रॉपर पार्किंग है, सब कुछ है इसके अंदर, लिफ्ट प्रॉपर बेसमेंट से स्टार्ट होता है इसके अंदर, जिसके अंदर भारी से भारी सामान वगैरह कुछ भी लेके जा सकते हैं, हर चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ के अगर वॉशरूम वगैरह जाएंगे तो बहुत ही अच्छे नहीं मिलेंगे, नीट एंड क्लीन नहीं मिलते हैं, स्मेल वगैरह होती है। इस कॉम्प्लेक्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जो वॉशरूम वगैरह है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। लास्ट वन सबसे बड़ी बात है वो है हमारा कि इसके अंदर जो कारपेट एरिया है उसका आपको मेंटेनेंस पे करना पड़ता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। आज के डेट में अगर आप देखेंगे सुपर एरिया का लोग पूरा का पूरा आपको मेंटेनेंस कॉस्ट लगाते हैं जितने भी कॉमर्शियल हैं, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ओनली जितना भी आपका कवर्ड एरिया है उसका लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इमीडिएट रिटर्न के लिए अगर आप कोई भी शॉप्स देखना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जमीन एक्सपर्ट का एक ही सपना सबका है, पहले हम बोलते हैं सबका घर हो अपना, उसके साथ में शॉप्स हो अपना, तो हम इसकी भी बात करेंगे और कुछ दिनों में एक और भी नया प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं। जरूर आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को जरूर रेफर कीजिए।